हजारों की तादाद सिख मारे गए थे उस बारे तो क्या उन्होंने श्रद्धांजलि कौन देते कि यहोजे जड़े कुत्ते खालिस्तानी आ इन्हों दलां हो अतवादी इंदिरा गांधी सी अतवादी राजीव गांधी सी जिन्हें कौम के उत्ते हमला किया जिन्हें दिल्ली में कौम मरवाई जी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हैगी उन्हें इन्ना क वधिया काम किया अतवाद का देश चो सफाया किया पर जिहड़े विदेश बैठा आई एस आई का एजेंट कुत्ता ता गुरवंत पंत सिंह पन्नू असल में सिख कौम से हमला सी सिखां दीआं जमीरां दे उत्ते हमला सीगा 31 अक्टूबर जाने के इंदिरा गांधी जिस तरह इन मारे गया वा लेकिन कुछ जथेबंदियां जिहड़ियां शिवसेना वालों कल ऐलान किया गया भी जी इंदिरा गांधी ने मारे गया असी श्रद्धांजलि दिवस मना वा जिस दे विरोध में अज इत्थे दरबार साहब सिख जथेबंदियां इकट्ठिया हुई ने उन्होंने गलबात करांगे भी वह की कहना चाहुंदियां वा जिहड़ा इन्होंने 31 नूं जिहड़ा जथेबंदियां सिख शिवसेना वालों पुतला सारण का अतवाद का पुतला सारण की गल की जा रही है जिहड़ा बयान जारी किया वा नाल ही इंदिरा गांधी श्रद्धांजलि दी गल की जा रही है वह इस किस नजर जिहड़ा खालसा जी वाहिगुरू का खालसा जिहड़ा इन्होंने शिवसेना ने जिहड़ा बयान जारी किया वा कि असीं 31 तरीक नूं इंदिरा गांधी श्रद्धांजलि देनी आ ते नाल अतवाद दा पुतला साड़ना तुसीं इस नूं किस निगाह नाल वेखदे हो की तुहाडा कहना है पहली गल तो जिहड़ी इंदिरा गांधी आ कोई शहीद नहीं होई ना इहने कोई शहीदी दित्ती आ असल दे विच सिखां ने जिहड़ा दरबार साहिब ते हमला होया अकाल तख्त नूं ढाया गया उत्थे आर्मी दे कोलों टैंकां तोपां गन्नां ते एयर अटैक करवा के ते उत्थे सिखां दा लक तोड़िया गया असल विच ओह सिख कौम ते हमला सी सिखां दीआं जमीरां दे उत्ते हमला सीगा सो इंदिरा गांधी ने रज के सिखां दा घाण कीता उत्थे औरतां दी बेपत्ती होई आ हजारां दी लाशां उत्थे विछियां आ सो उहनूं असीं इह नहीं कह सकदे ओह कोई शहीद होई आ उहने किसे कौम वास्ते शहीदी दित्ती आ उहने किसे चंगे काम वास्ते शहीदी दित्ती आ नहीं उहदे कोलों सिंघां ने बदला लिया गया सो इस करके कोई शहीद नहीं गी तो उन्होंने ना ही कोई शहीदी दिन जी इतने तरन तारण के मना की सिख जथेबंदियां कोई बिल्कुल इजाजत नहीं देनगियां दूजी गल जिहड़ा अतवाद आतवाद है की इस वेले पंजाब दे विच अतवाद हैगा कोई साढ़े कोल सब अपने CID वाले प्रशासन खड़ा आ कोई कह दे DGP तक कि पंजाब दे विच कोई अतवाद हैगा जे नहीं हैगा तो उहदा पुतला साड़न का मतलब की है उहदा मतलब यह है कि सिखां नूं इनडायरैक्टली अतवादी कहना उहनां ते अतवादी लेवल लाउणा सिख अतवादी नहीं है सिख नूं मजबूरन अतवादी बनाया जाता है उन्हूं भड़काया जाता उन्हूं पिंच किया जाता है तो जदों हार हंभ के सिख जिहड़ा है वह मजबूर हो के अपने हथियार उठाउंदा उदों उहदे ते अतवादी का लेवल आया जाता फिर इस करके अतवाद का पुतला की है ये इनडायरैक्टली सिखां नूं चिड़ाउण दी गल आ बिल्कुल असीं इहदी आजादी जिहड़ी उह नहीं देंगे तो ना ही असीं तरन तारण दे विच असीं इहदा कोई शहीदी दिवस इहनूं मनाउण दी असीं किसे प्रकार की इजाजत देंगे असीं जदों तरन तारण दे विच किसे दा शहीदी दिन नहीं मनाउंदे ना ही असीं कसी अज तक कोई अनकंस्टीट्यूशन जां गैर कानूनी काम कीता है जां असीं हिंदू सिख दे विच कोई फुट पाउण दी गल कीती है जां इहो जिहा कोई प्रोग्राम लीकिया जे असीं लीकिया तां सानूं प्रशासन जां शिवसेना वाले जां कांग्रेस वाले दूजे तीजे BJP वाले कोई भी सानूं दस सकदे आ कि असीं कोई गैर कानूनी काम कीता असीं बिल्कुल नहीं कीता जे असीं गैर कानूनी काम असीं नहीं करदे तो सानू साढ़े गुरु साहब का भी आदेश है पै काहूं को देत नहीं न पै मानत आन कौ नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान अहीं किसे तो ना डरदे हाँ तो ना ही किसे नू डराउने हाँ तो ना ही असी किसे को डरना है ना किसे नू डराउना है तो ना ही किसे नू असी तौंसदे ने तो ना ही किसे दी असी तौंस इत्थे चलनी आ बिल्कुल जावे 1984 जो दिल्ली में सिख कतलेआम किया गया नसलकुशी की कोशिश की गई थी किता गया सी उस किस निगाह नाल वेखदे वेखो कोशिश नहीं की गई सी नसलकुशी की गई सी उदों प्रधानमंत्री राजीव गांधी वालों जी वो सारा प्रशासन मतलब विद आर्मी स्टैंड स्टिल कर दिते गए सी ते पुलिस नूं जिहड़ा आ उह नाल गुंडियां दे जोड़ के ते सिखां दा कतलेआम किया गया साडियां धीआं भैणां नूं नंगियां करके भजाया गया किन्नियां साडियां धीआं ने गंदे नालियां दे विच छालां मार के अपनियां जानां बचाईआं कि असीं अपनी इज्जत नूं बचा लईए गुरद्वारिआं नूं साड़िया गया गुरु ग्रंथ साहिब साड़े गए तो एक बच्चे नूं स्टोव ते रख के छोटे छोटे बच्चों भुनिया गया इन्हां 3 दिन 72 घंटे तक लगातार उत्थे सिखां दा कतलेआम होया सिख बीबियां दी बेपत्ती हुई वह एक सरकारी कतलेआम सीगा किसी अतवादी का कोई जा दूजा नहीं सीगा वो सरकारी कतलेआम सीगा राजीव गांधी वालों किया गया सी पर असीं तां कदी राजीव गांधी का पुतला भी नहीं साड़िया ता कि साडी हिंदू सिख एकता जिहड़ी आ इत्थे बनी रहे
असल में अतवादी वह अतवादी इंदिरा गांधी सी अतवादी राजीव गांधी सी जिन्हें कौम के उत्ते हमला किया जिन्हें दिल्ली में कौम मरवाई जी उन्हें हजारों की गिनती किसी दियाँ उत्थे रिपोर्टा नहीं दर्ज की गई बीबी जगदीश कौर जो उत्थे रिपोर्ट दर्ज करवाउण गई है उन्हूं कह गया माता ठहर जा अजे बहुत होर मरने आ बहुत होर लाशा विछड़ियाँ उस तो बाद कट्ठिया ताड़ियाँ जिहड़ियां उह असीं रिपोर्टा दर्ज कर लाँगे। सो इस करके 84 का कतलेआम सरकारी कतलेआम सीगा जिहड़ा कि राष्ट्रपति दे उत्ते भी वह उदों ज्ञानी जैल सिंह दे उत्ते हमला होया गया उन्हूं भी अपने कंसीडरेशन नहीं लिया गया जदों आर्मी कराई इंदिरा गांधी ने उदों भी उन्होंने कंसीडरेशन दे विच नहीं लिया गया वो सिखां दे बहुत वड्डा हमला जदों कि सिख कौम जिहड़ी आ उह 90% तों उपर इन्हां ने कुरबानियां दे के ते साडा देश जिहड़ा वो आजाद कराया पर अज देश दे विच हमेशा जिहड़ी स्टेट पॉलिसी इंडिया दी है उहदे मुताबिक है सिख नूं हमेशा दबाया जाए तो साडे नाल सानूं हमेशा दबाया जांदा। हुण तुसीं देखो मई जून दे विच 47 बच्चों के उत्ते जूए पीए ला के उन्होंने अंदर कर दिता गया दसो उन्हां दा की कसूर सी। जे एक बच्चे ने एक खालिस्तान की पोस्ट नूं मैं कोई खालिस्तान के हक च नहीं ना मैं गल करदा ना अज तक पोस्ट पाई आ जे खालिस्तान की एक अणजाण बच्चे ने उन्हूं लाई कर दिता कि उन्हूं DSP एस पी उन्होंने अपने दफ्तर च बुला के समझा नहीं सकता काका ये काम अगे तो नहीं करना उन्हें ज वार बार उन्होंने थाने बुलाते अपना वार्निंगा देंगे पर उन्होंने बच्चों से NIA उन्होंने आके आराम चुके लै जाती है तो उन्होंने सड़न वास्ते जेलों में सुट दिता कि यह सिख नाल बेइंसाफी नहीं गई कि यह सिख नाल धक्केशाही नहीं हैगी ये उन्होंने बच्चे आ जिन्ह ने 90% तो वध उपर जिहड़ियां कुरबानियां कीतियां वा ये स्टेट पॉलिसी है चाहे उत्थे कांग्रेस आ जाए BJP आ जाए कोई भी आ जाए आम आदमी पार्टी आ जाए उन्होंने सिखा दबा के रखना ये गल्लां पार्लीमेंट विच नहीं होंदियां ये स्टेट पॉलिसियां किसी कोठी दे विच जाके ते ये स्टेट पॉलिसियां लागू होंदियां। सो ये सिखा नाल अजिहा करन तो बाज आउण देखो सिख कौम किसी को डरी नहीं इत्थे अहमद शाह अब्दाली चलेगा नादर शाह चलेगा औरंगजेब चलेगा इंदिरा गांधी भी चलेगी वैद्या भी चला गया ते पर सिख किसी जिहड़े आ ना जिवें उन्होंने मनू नूं कहा सी मनू साहब दी दात्री असी मनू दे साए सोए ज्यों ज्यों मनू वढ़दा असी दून सवाए होए असी भी असी मर जाएंगे अगे बच्चे भी साढ़े 84 नूं जे कोई सानूं भुलाउण की कोशिश करेगा यह नहीं हो सकता यह साढ़े खून च चलेगी आ साडियां हड्डियां दे विच चलेगी आ 84 सानूं याद रहेगी दरबार साहब का हमला याद रहेगा दिल्ली की सिख कतलेआम सानूं हमेशा याद रहेगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ CID ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾੜਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੁੱਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰਵੰਤ ਪੰਥ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ iPhone 12 ਭੇਜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ISI ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਏਜੰਟ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ,
क्यों? क्योंकि इन्होंने बाद जो तुम रोटी भी नहीं पूछन होनी, जेल के किसी ने मुलाकात नहीं बोन होनी। इसलिए मैं उन्होंने अपील करता कि यहोजे जे कुत्ते खालिस्तानी आ, इन्हों गल आने देश हित काम कर। बाकी इतने अं कोई माहौल खराब नहीं करना चाहते। वेखो जी अं जो प्रोग्राम कराया शांतिपूर्वक प्रोग्राम कराया, साढ़े नौजवान जिन्हें नाल हिंदू भरा से, बाकी सिख सिखा ने भी कई ने साड़ी बहुत मदद की, अं उन्हों का तह दिलों, प्रशासन ने बहुत हैल्प की, अं प्रशासन का अं तह दिलों धन्यवाद करते हैं। बाकी शिवसेना पंजाब कभी माहौल खराब करने हक च नहीं हैगी, ना कभी अगे होगी। जिहड़ा 1984 में जिहड़ा कतलेआम किया गया, सिखा का कतलेआम किया गया सी, जदों इंदिरा गांधी अटैक होया सी, उस तो बाद राजीव गांधी ने शासन सांभिया 1984 हज़ारों की तादाद सिख मारे गए सी, उहदे बारे तुसीं क्या उन्हां नूं श्रद्धांजलि कौन दिंदे? वेखो जी, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हैगी, उन्हें इन्ना क वधिया काम किया, अत्तवाद का देश चो सफाया किया। अत्तवाद ने हिंदू 35,000 हिंदू परिवारों नू मारता, निर्दोष हिंदू परिवारों नू। हिंदू अज तक हिंदू नू मारते आए आ, पर हुण हिंदू अपना जागरूक हो चुका वा, हिंदू अपने हक लैना जानता वा, उन्हू हर तरह की जांच हैगी आ कि अपना हक लैना किस तरह वा। जिहड़ा सिख जथेबंदियां ने यह ऐलान किया सी नहीं विरोध किया, इहदा विरोध किया जाऊगा, तुसीं इस नू किस निगाह नाल वेखदे हो? वेखो जी, अहीं केस अहीं सिखां दे खिलाफ नहीं हैगे, अहीं सिर्फ खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ हाँ। अहीं इंदिरा गांधी जी नूं शांतिपूर्वक श्रद्धांजलि भेंट की आ। साडा कोई मकसद नहीं आ कि किसी का काम खराब करिए। अहीं शांति पुलिस प्रशासन ने भी साडा पूरा सहयोग किया। अहीं कोई माहौल खराब नहीं करना चाहते। शिवसेना पंजाब इस हक च नहीं हैगी कि माहौल खराब करिए। पर जिहड़े विदेश च बैठा ISI दा एजेंट कुत्ता गुरवंत पंत सिंह पन्नू, उन्हूं गिरफ्तार करके इतने मूँह वाला काला किया जाए, उन्हूं पंजाब च लिया गए, उन्हूं जेलां च दिता जाए, फांसी ते लटकाया जाए, क्योंकि उस करके कई घर के जोड़े नौजवान वा वो जेल इस टाइम बैठे आ। गैंगस्टर ने भी इन्होंने पूरी सपोर्ट वा, अत्तवादियों की खालिस्तानी गैंगस्टर पूरे इन्होंने नाल वा। कई शिवसेना आगुओं ने धमकिया मिल रही, पर अं हिंदू समाज होने के नाते अं पूरा इंदिरा गांधी श्रद्धांजलि भेंट की आ। अगे भी जोड़ा प्रोग्राम होगा अं श्रद्धांजलि भेंट करा, क्योंकि साढ़े देश के शहीद वा। खालिस्तानी तुम किनू कहते हो? खालिस्तानी जोड़ा देश का खा के आराम करता, कुत्ता जोड़ा देश का खा के साडा नमक उन्हू आराम करता, जोड़ा शहीदा के खिलाफ बोलता हड्डिया दे। ये सन अभिषेक जोशी जिन्होंने शिवसेना के तरन तारण के प्रधान ने, जिन्होंने अज 31 तरीक इंदिरा गांधी श्रद्धांजलि अर्पित की आ। तुम वेख सकते हो इन्हों दी फोटो भी इतने लग लग चुकी, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी असं दिखावे इन्हें जी फोटो, अं अपने पत्रकार को कह अपने कैमरामैन को कहे भी जी इन्होंने श्रद्धांजलि दी आ वो फोटो दिखाई जा। फोटो वेख सकते हो ये मोमेंटो तैयार किया गया, एक इंदिरा गांधी, बेअंत सिंह, जनरल वैद्या, KPS गिल नूं इन्हां श्रद्धांजलि अर्पित की गई आ। लेकिन यह वेखन वाली गल ये आ कि जिहड़ियां जथेबंदियां ने इन्हां एक चेतावनी दी सी भी जेकर ये किया गया तो यदा विरोध किया जाऊगा। गल की जाए पुलिस प्रशासन वालों, पुलिस प्रशासन वालों एहतियात के तौर पर पूरे इनू सील किया गया। SHO साहब साढ़े मौजूद ने गए। SHO साहब जिस तरह इन्होंने शिवसेना के प्रधान वालों इतने श्रद्धांजलि समारोह रखा गया, तो सिख जथेबंद ने एक विरोध का ऐलान किया भी जे काम होएगा तो असं विरोध करांगे। पुलिस प्रशासन वालों लॉ एंड आर्डर कायम रखते की सर स्थिति इतने कायम रखी गई है? सिटी तरन तारण के एरिए विखे हर एक चौंक, हर एक चौरस्ता, गली महल, सड़कों के उत्ते जिहड़ा पुलिस का पूरा जिहड़ा प्रबंध है, हर एक जगह पर जिहड़ी साडी पुलिस है PCR गश्त कर रही है, QRT टीम साडियां गश्तां कर रही, साडी जिहड़ी अपनी पुलिस है डिस्ट्रिक्ट की भी उहदा मैनूं जिहड़ा पूरा साथ मिलिया आ। अफसरां दे हुकम अनुसार वेखो उह भी काफ़ी आ चुके आ। सारिआं नूं ही तकरीबन असीं जिहड़ा ड्यूटी ते लगाया गया है तां कि किसी भी तरह का कोई भी माहौल जिहड़ा खराब ना हो सके। सिख जथी मैंने गल की, तुम्हें इन्हें गलबात की है शांतमई तरीके, उन्होंने तुम्हारी गल सुनी है, कोई इतने विरोधता नहीं हुई, क्योंकि जे कोई यह जी गल होंगी तो माहौल खराब हो सकता सी। लेकिन गल की है सिख जथेबंद की, उन्होंने तारी गलबात की उन्होंने की किया तुम्हें? नहीं, मेरी उन्होंने किसी ने सिख जथेबंदी गल नहीं हुई, ये सीनियर अफसर दे उन्होंने गल् हो रही। मेरे लोग तो गांधी पार्क जी मेरी ड्यूटी लगाई सी इतने, जी इन्हें शिवसेना वालों जो मनाया इन्होंने शांतमई रूप मनाया गया, कोई भी उसी गल नहीं है। शांतमय तरीके जो श्रद्धांजलि समारोह किया गया, पुलिस प्रशासन के वालों पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए, खुफिया एजेंसियां भी इतने पूरी मौजूद रही जो किसी तरह की स्थिति जी तनावपूर्ण हो ना सके। कैमरामैन सुखजिंदर कुलदीप संदीपा, साझा TV, तरन तारण।